हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस है, और आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी 3 के पेपर के कोर्स में, सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 5 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक दिया गया है कि पंचायत राज में, राज व्यवस्था में महिलाओं में आरक्षण का प्रभाव क्या पड़ा, जो पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के आरक्षण के प्रभाव हमें देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन कोटा ऑन पंचायती राज सिस्टम जो है, इसमें क्या पड़ा उसके बारे में हम लोग अध्ययन जो है वो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जानना है कि हम सभी जानते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी, अभी हालांकि अभी कुछ बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम लोग जिस प्रोस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं, पंचायती राज जो व्यवस्था है, 73rd अमेंडमेंट में जो महिलाओं को जो आरक्षण, 1/3 जो आरक्षण दिया गया है वो कैसे दिया गया, तो इसके लिए सबसे पहले तो भारत में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए एक समिति जो है गठित की गई। और ये जो समिति ने रिपोर्ट पेश किया 1974 में, 1974 में जो है वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि जो पंचायती राज, जो राज संस्था है उसमें महिलाओं की जो का एक नाम मात्र का प्रतिनिधित्व है, बहुत नॉमिनल, बहुत ही कम है प्रतिनिधित्व प्राप्त था उस समय। और उसमें ये अध्ययन में ये भी देखा गया कि पंचायत में कुछ महिलाएं जो हैं वो खड़ा तो होती हैं, लड़ने आगे तो आती हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में, को मध्य नज़र रखते हुए 1989 में जो उस समय के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उन्होंने महिलाओं को जो पर्याप्त आरक्षण के देने के लिए जो है 64th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था उस समय उन्होंने पेश किया, उन्होंने लाया संसद में। लेकिन जो है वह, यह जो बिल जो है उस समय पास नहीं हो पाया, निहित स्वार्थों के विरोध के कारण यह पास नहीं हो पाया उस समय। और उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 में जो है उनकी एक चुनाव प्रचार के द्वारा दौरान उनकी एक हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो दो कोलिशन गवर्नमेंट आई, और उसके बाद 1991 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आई और पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो चूंकि जो राजीव गांधी का एक थॉट था, एक सोच था कि वो पंचायत राज को एस्टैब्लिश करें और उसमें जो है उसके द्वारा महिलाओं को जो है वो सशक्त किया जाए और पंचायतों को सशक्त किया जाए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, और इस तरह की जो का जो उनका जो व्यू था जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो कर नहीं पाए। और फिर बाद में वह जो, चूंकि संसद भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। और फिर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो एक नए बिल के रूप में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, बिल जो था वो लाया गया 92 में, और 93 में 10 अप्रैल में ये जो है से वो भारत, पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू है। और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है नगर पंचायत की जो है व्यवस्था की गई, मतलब पहली बार जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, शक्तियां प्रदान की गई रियल रूप में। लेकिन क्या रियल जो ये शक्तियां जो पंचायत को दी गई, तो उनसे कुछ महिलाओं को जो है क्या रियल में फायदा, तो आज हम लोग देखेंगे कि महिलाओं पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या रियल में जो है उनका असर जो है, उनका जो प्रभाव जो है वो क्या महिलाओं पर पड़ा। तो देखिए, इसमें जो आरक्षण दिया का प्रोविजन किया गया उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप में कहा गया कि महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% जो है आरक्षण देने की बात की गई। और बहुत ऐसे राज्य थे जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बाद में बिहार वगैरह भी, बहुत ऐसे राज्य ऐसे हुए जिन्होंने इसको 50% अपने राज्यों में किया। और धीरे धीरे जो है इनका जो महिलाओं का जो आरक्षण की जो पॉलिसी है, बहुत सारे राज्यों में 40%, बहुत जगह 50% करके इनकी बढ़ी, ये सकारात्मक जो है वो चीज़ें देखने को मिली।
और जो अनुसूचित जाति और जातियों का जो निर्वाचित महिला की तुलना में आदिवासी महिलाओं में जो है इसकी प्रतिशत कहीं ज़्यादा दिखाई दी, और इन सब इसको लागू करने के बाद से ये पता चला। इसमें क्या हुआ कि जो पंचायती राज संस्थाएं जो थीं में लगभग अब जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था लगभग 40% देने में सफल हो गया था। तो ये कुछ इसकी प्रारंभिक जो इसका स्टेज था। जैसे कि बहुत सारे अभी भी जो है 110वां संवैधानिक जो बिल है वो पेंडिंग है, जिसमें जो है 50% आरक्षण देने की महिलाओं की बात की गई है, वो लेकिन वह अभी तक पारित नहीं हो पाया है संसद के द्वारा। तो लेकिन उसके बाद भी जो 1/3 जो जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया, तो उससे कितना लाभ जो हुआ उसके सशक्तिकरण में, महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या उसके बावजूद भी समस्याएं थी। देखिए रियल में तो जो है वो देने को तो कागजी रूप में दिया गया, लेकिन वह कितने कितना जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि उस समय जब जब दिया गया, जब ये बना, उस समय पूरे देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, और जिनमें जो है 2.39 लाख ग्राम पंचायत हैं, और उसके बाद जो है आपका 6,405 जो है ब्लॉक पंचायतें हैं, और 589 जो है वो जिला पंचायतें हैं या जिला परिषदें शामिल हैं। तो इसमें जो क्या उसका महिलाओं का जो निर्वाचित जो प्रतिशत रहा वो क्या रहा, तो वो देखिएगा तो बहुत ही कम रहा, बहुत ही कम निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत रहा है, और लगभग ये प्रतिशत जो है वो 29.16% ही हो पाया है। और चाहे वो ग्राम पंचायत हो, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो कुल संख्या है हो रही है वो लगभग 29.16% रही है। तो समस्या अब कहाँ है, आरक्षण के बावजूद भी आखिर जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं सशक्त हो पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इस चुनौतियों में जो सबसे ये जो आशा की गई थी कि महिला जो आरक्षण के माध्यम से कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, पंचायतों में महिलाओं के प्रवेश से क्या होगा, सिर्फ उनका जो है निजी या सामाजिक या राजनीतिक सशक्तिकरण ही नहीं होगा, बल्कि राजनीति में गुणवत्ता परक और परिणामात्मक जो है वो सुधार की आशा आएगी, ये ऐसा सोचा गया। क्योंकि महिला दृष्टिकोण को समझना, उसके मसले में और चुनौतियों जो जो उन संबंधित चुनौतियां हैं उनके केंद्रीय धुरी में बन सकेंगी। तो देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, अभी भी पितृसत्तात्मक जो है व्यवस्था जो है वो संस्कृति जो है वो अपनाई जाती है, और सामाजिक ढांचा जो है वह स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए बहुत बड़ा एक बाधक है। क्योंकि इसमें जो है कुछ जो परिवार के सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, वह यह तर्क देते हैं कि जो महिलाओं को पंचायत में काम करने से जैसे कि रोकते हैं, और महिलाओं को उनको ये कहा जाता है कि उनका असली जगह जो है वो घर में है, और इसलिए जो है वो पंचायत जो है का अधिकांश कार्य जो है वो करती हैं, और जो घर का कार्य करती हैं, और जो पंचायत से रिलेटेड जो काम होते हैं तो उनके जो घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं या उनके हस्बैंड होते हैं वो मतलब एक्चुअल में काम करते हैं। भले ही वो आरक्षण के थ्रू उनको वो सीट मिल गई हो, लेकिन जो कार्य होता है, जो वास्तविक जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण होनी चाहिए, वह उससे जो है वो वंचित हो जाती हैं। और उसके बाद दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ आता है कि प्रधानपति या जो सरपंच पति का जो कंसेप्ट है, मतलब अगर महिला मुखिया या सरपंच है तो मुखिया प्रधानपति या सरपंच, ये तो आपका जो किसी राज्य में इसको मुखिया बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, तो उसका जो पोस्ट है उसका जो है तो उसके जो हस्बैंड जो हैं उनके नाम को उनको प्रधानपति या इसका चलन शुरू हो गया है। मतलब महिलाएं बस सिर्फ कागज़ पे हस्ताक्षर करने के लिए हैं, बाकी और उनको घर के अंदर के कामों को करवाया जाता है, बल्कि जो नगर है या जो उनका गांव है उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं वो चीज़ें जो है उनके हस्बैंड ही करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो आ गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक और चुनौती है
महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। और इसके बाद जब आते हम बात करते हैं सशक्तिकरण की चुनौतियों के बारे में, तो महिला पंचायत में जो प्रतिनिधियों पर विभिन्न तरीकों से संस्थागत बंधन थोपे गए हैं, थोपे जाते हैं, जो कुछ मामलों में पुरुष महिलाओं को सत्ता से हटाने के लिए साजिश किए जाते हैं, और कोई भी महिला आरक्षण के द्वारा सरपंच बन सकती है। और आम तौर पर उप सरपंच जो होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है, क्योंकि वो सीट उसके लिए रिजर्व है तो वो बन गई, लेकिन उप सचिव या ये जो होता है वो पुरुष होता है। और अन्य सदस्यों के गठजोड़ से वह क्या करता है, उसके खिलाफ जो है अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है, करवा लेता है, और उसके स्थान पर जो सरपंच का जो काम है वो खुद ही करने लगता है। तो ये भी समस्या जो है वो बहुत मायने रखती है और आती है कि जो उनका कार्य करने का जो स्थल है वहाँ पे जो पुरुष जो हैं वो लोग जो हैं उसको साजिश करके किस तरह से उसको फंसा देते हैं। क्योंकि अभी भी जो महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति है काफ़ी नीची है, बहुत उसका लेवल जो है वो नीचा है। तो और हम गांव की बात कर रहे हैं, गांव में तो और भी ज़्यादा कम है। तो इस तरह से क्या होता है कि वह किसी भी उसको जाल साज में फंसा कर उसको जो है उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर और उसे जो है वो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। और चूँकि उप सचिव, उप जो सरपंच या उप प्रधान का जो पद एक मेल का होता है, तो उसके जगह पर वो पूरा जो है पावर लेकर, सत्ता लेकर वो काम करना शुरू कर देता है। तीसरी जो जो बाधा या चुनौतियाँ जो आती हैं वह यह है कि आरक्षण की जो रोस्टर प्रणाली है, जो इसमें आरक्षण तो दी गई है 1/3, लेकिन इसमें एक रोस्टर प्रणाली के बारे में भी बताया गया है। तो ये रोस्टर प्रणाली जो है वो महिलाओं के हितों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें तो पंचायती राज संस्थानों में 1/3 जो है वो सीटें आरक्षित कर दी गई है, पर रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो क्या होता है कि उसमें जो जहाँ जिस चुनाव क्षेत्र से जहाँ से वो लड़ी थी इस साल, वह अगले बार जब चुनाव लड़ेगी तो उसको दूसरे स्थान पे से लड़ना होगा। मतलब पहली बार जहाँ से उसने जीता और जहाँ पे उसने काम किया, जहाँ पे उसने वर्क किया, उस क्षेत्र में को छोड़कर उसको दूसरे क्षेत्र का से अब खड़ा होना पड़ेगा अगर उसको आरक्षण का लाभ लेना है तो। नहीं तो फिर जो है वो उसको वहाँ पे फिर से चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होगा आरक्षण के लिए। तो ये रोस्टर जो प्रणाली है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी काम वो प्रीवियस में की होती है अपने क्षेत्र में, तो एक तरह से दूसरे क्षेत्र में जाके उसको फिर जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत जो है बड़ी समस्या है। और साथ में जो पुरुष उम्मीदवार हैं या अगले जो उम्मीदवार जो वहाँ उस पोस्ट के लिए होंगे जिसको आरक्षित सीट बनाया जाएगा, तो अगर कोई पुरुष हैं तो वो भी चुनाव लड़ेंगे या उसके उप सचिव के लिए लड़ेंगे या किसी और दूसरे पोस्ट के लिए लड़ेंगे, तो एक तरह से महिला और पुरुष दोनों के साथ जो है वो उनका एक तरह से टक्कर हो जाता है। और इस तरह से जो है उसका जो नए क्षेत्र में उसे अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों का कोई जो है वो लाभ जो है वो नहीं मिल पाता और उसे नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये भी एक समस्या है उसके सशक्तिकरण में जो है। इसके बाद क्या है कि अधिकतर सरकारी अधिकारी जो होते हैं, निर्वाचित जो सरकारी अधिकारी हैं, तो उसमें महिला प्रतिनिधि के पति द्वारा जो ही ज़्यादातर जनरली भाग लिया जाता है। और अगर महिला गई भी तो उसे एक एक जो है क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, तो वो लोग जो है वो बैठकों में जो उनके पति जो भाग लेते हैं वही भाग लेना ही पसंद करते हैं। मतलब महिलाओं के साथ जो है वो डिस्कस करना, बात करना जो है वो उनको भी पसंद नहीं आता। और पुरुष जो हैं के साथ ही कार्य करने में एक दूसरी चीज़ है कि वो सहज महसूस करते हैं, महिलाओं के साथ उतना उतना कॉन्फिडेंटली वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है वो ये भी एक बाधक है कि जो भी अधिकतर सरकारी अधिकारी जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के पति जो होते हैं, पति के द्वारा बैठकों में भाग लेना ही पसंद करते हैं क्योंकि पुरुषों के साथ कार्य करने में वो सहज महसूस करते हैं। तो ये भी एक जो है वो एक समस्या है। उसकी बाद दूसरी एक और भी प्रॉब्लम्स देखी गई है कुछ स्टेट में कि जो महिला प्रतिनिधि होती है जब इस तरह के मीटिंग्स में जाती हैं तो उनके लिए जो है वो एक सुव्यवस्थित उनके बैठने की जगह भी नहीं होती है। और उनके पति या और जो अधिकारी हैं उनको तो कुर्सियों पर बैठाया जाता है लेकिन वह नीचे बैठ के अपनी बातें करती है, जबकि वह उस गांव की प्रतिनिधि होती है,
लोगों ने उसे चुना होता है, तो एक उचित सम्मानपूर्ण जो है उसके साथ बिहेव जो है वो ये चीज़ जो है वो नहीं आती है। तो बहुत से राज्यों में जो है ये चीज़ जो है देखी गई है, और पुणे स्थित जो स्त्री आधार केंद्र में पाया गया कि महाराष्ट्र में सिर्फ 55% जो महिलाएं हैं प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेती है, नहीं तो ज़्यादातर जो है वो उनके परिवार के सदस्य ही लेते हैं। और इसके बाद जो है एक चीज़ और जो देखा गया है कि जो जो चुनाव प्रचार होता है, जब चुनाव प्रचार कोई महिला जो है वो खड़ी होती है चुनाव में, तो उसके साथ साथ जो चुनाव प्रचार के दौरान जो गाड़ियाँ बैनर या पोस्टर्स बनते हैं उनमें उनके पति का भी नाम, पति का भी फोटो, ये सब मतलब उसमें छपवा कर एक तरह से जो है वो उनको उनकी प्रमुख उनकी जो है प्रमुखता दी जाती है, और जिस पर वो महिला कैंडिडेट होती है, लेकिन महिला से ज़्यादा उसमें पुरुषों के उनके पति की फ़ोटोज़ और उनके बारे में सब कुछ लिखा होता है, ना कि स्पेशली उस महिला के बारे में। तो ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो है वो प्रॉब्लम और एक समस्या जो है वो दिखाई देती है। और उसके बाद क्या है कि कई जो महिला जो प्रतिनिधि होती है वह निरीक्षर होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसलिए उन्हें नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती, और नहीं होने की वजह से इसका खासकर जो है जो फ़ायदा जो है उनके पति उठाते हैं, और जो रिकॉर्ड और अकाउंट्स वगैरह जो भी जो गांव से संबंधित जो वित्तीय जो चीज़ हैं उसको देखने का काम मतलब वो करते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में जो है निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जो है वो जो दोहरी समस्या के साथ साथ रूबरू होती है। तो उसको ये सारी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जहाँ वे पंचायत में जब वो जाती है तो चूंकि वह निरीक्षर है तो उसको बहुत कुछ जिसकी जानकारी नहीं है, तो इसके कारण से जो है वो अपने अधिकारों का जो है वो सही ढंग से उपयोग जो है वो नहीं कर पाती, और वहीं वो घर में उसकी जो है स्थिति भी कमज़ोर होती जाती है। क्योंकि तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जो है प्रशिक्षण और सूचना, सामाजिक समर्थन के अभाव में प्रशिक्षण सूचना और सामाजिक समर्थन के अभाव में और कानून एवं प्रक्रियाओं में बार बार जो बदलाव होता है उनके कार्य में प्रमुख बाधक के रूप में एक कार्य करती है। और क्या होता है कि एक अन्य समस्या जो है वो ग्राम पंचायतों को जमीनी स्तर पर जो है वो मजबूत बनाने की समस्या है, और राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो होती हैं वो पार्टियों का उदासीन जो रवैया है पंचायतों को लेकर, जो जनप्रतिनिधि हैं उस एरिया के उस क्षेत्र के, तो उनका जो उदासीन रवैया है वो भी एक प्रमुख जो है इसके लिए कारण है। क्योंकि सांसद और विधायक जो है अपने क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है उसको जो है अपने लिए खतरा या बाधक समझते हैं, और इस कारण से जो है वो उसको जो है वो सपोर्ट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते जो भी उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हैं, तो उनकी भी जो नेग्लेक्ट किया जाना है अपने पंचायत क्षेत्रों में जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उनको, तो ये भी एक बाधक के रूप में होता है। इसके बाद है कि महिलाओं के सीटों के लिए आरक्षण से उनके परिवार के पुरुष सदस्य सशक्त बने हैं, मतलब सीट के रिजर्वेशन से जो एक चीज़ देखने को मिली है वो रियल में क्या है कि उस परिवार के जो पुरुष हैं, रियल में अगर हम जीरो बैकग्राउंड ग्राउंड लेवल पे अगर जाके हम बात करें तो जनरली हम पंचायतों में क्या देखते हैं, जहाँ भी आरक्षित सीटें हैं, जहाँ पे महिलाओं आरक्षण के आधार पे जो उन्हें सीट उपलब्ध है उसमें जो उनके पुरुष हैं, उनके जो हस्बैंड हैं या उनके घर में जो पुरुष हैं वही वास्तव में जो हैं वो जो शक्तिशाली या सशक्त बने हैं। और इसमें अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक अनुभव पर आधारित एक अध्ययन है, उसे पाया गया कि महिला प्रतिनिधि जो है वो नीति निर्माण में बतौर एक स्वतंत्र पहचान बनाने में नाकाम रही हैं। इस प्रकार हरियाणा में भी किया गया एक सर्वे था, उसमें हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं सशक्तिकरण में बताया गया कि शिक्षा जागरूकता एवं आत्मविश्वास की कमी, शिक्षा जो है वो और जागरूकता
और आत्मविश्वास की कमी जो है यह भी एक वजह है कि महिलाएं जो है वो आज तक सशक्त नहीं हो पाई हैं उन आरक्षण के बावजूद, और अभी तक अधिकतर महिलाओं का जो है वो सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। और राजस्थान जो है, राजस्थान पर भी एक अध्ययन शोध किया गया, राजस्थान राज्य में भी, तो उसके अध्ययन से भी यह पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी जो है बड़ी तो अवश्य है, लेकिन जो नीति निर्धारण है, नीति निर्धारण के मोर्चे पर अभी वो स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी उनको प्रयास करना होगा। और इस तरह से इन शोध और निष्कर्षों से जो अलग अलग स्टेट में टाइम टू टाइम पे पंचायत से रिलेटेड महिलाओं की स्थिति को लेकर जो शोध होते हैं, तो उससे जो है वो जो कुछ चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। अब आते हैं हम कि जो जो 73rd अमेंडमेंट में जो है, इसमें पंचायत अधिनियम में उसमें क्या क्या बातें की गई हैं और बताई गई हैं। तो इसमें जो है 73rd जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 93, जो इसलिए बनाया गया था कि ग्रामीण भारत में समावेशी प्रबंध जो है की स्थापना की जा सके, और इस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में तीन स्तरों की संस्थाओं, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद के पदों की और सदस्यों के मामलों में महिलाओं को कम से कम एक तिहाई आरक्षण देने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। और इसका सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो पहले जो थी नाम मात्र की सिर्फ प्रतिनिधित्व के बजाय, अब पंचायती राज संस्थाओं में अब उन्हें एक तिहाई जो है वो जो सीट जो है अधिक भागीदारी मिल गई है। बहुत सी महिलाएं जो हैं तो वो तो गैर आरक्षित सीटों पे भी अब चुन के आ रही हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि देश की पंचायती राज जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे लगभग 15 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% करने की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि महिला सशक्ति जो महिला राजनीतिक नेताओं को निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के अधिक अवसर मिलते हैं। मतलब आगे भी पंचायत के बाद आगे भी स्टेट लेवल पे भी या उससे भी आगे भी जो है उनको एक अवसर प्राप्त होता है या मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब के बावजूद जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है, मैंने उपरोक्त जो कारण सब बताए। और महिला जो सरपंचों की भूमिका में उनके पति या पुरुष का जो है वो बहुत ज़्यादा जो हाथ रह रहा है, जो कंसेप्ट जो है वो आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है वो आ रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसमें जो महिला सरपंच पति जो हैं का जो कंसेप्ट है, तो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री का जो सरपंच पति राज्य जो है जो एस्टेब्लिश्ड हो जा रहा है पंचायती राज सिस्टम में, उसको समाप्त करने का आह्वान जो है वो करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए कि जिसके लिए वो पोस्ट है उसको उस जगह पे महिलाओं को अपनी भागीदारी को समझना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए वो चुन के जा रही हैं उसमें उनको वो काम उनको करना चाहिए। मुझे ये पता है कि उस क्षेत्र में काफ़ी पाबंदी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है कि वो अपने फैमिली के मेंबर से ही वो कैसे लड़ेगी, लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो भी उनमें कमियां हैं, अगर उसको दूर करके वो खुद को अगर प्रूफ करती है कि हाँ ये काम उसे के द्वारा हो सकता है, वह एक विश्वास कायम करती है, तो मुझे लगता है कि पुरुष जो वर्ग हैं वो भी उसको ज़रूर एक दिन सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो है करना क्या है कि इस दिशा में जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा जो है सशक्त समाज सुधार का एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए कि ताकि महिलाओं को जो है वास्तविक अधिकार जो है पंचायतों में जो दिया गया वो मिल सके, और उस अधिकार को वो वास्तविक रूप में खुद यूज कर सके, एक कठपुतली के रूप में कार्य ना करके वो एक एक्चुअल काम करे, वो एक रबर स्टाम्प की तरह सिर्फ काम ना करे कि जहाँ सिग्नेचर चाहिए कर रहे हैं लेकिन सारे डिसीजंस वही उनके हस्बैंड देख रहे हैं, चाहे वित्तीय व्यवस्था हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, सब कुछ जो है वो देख रहे हैं,
सिर्फ उन वो एक नाम के लिए जीती हुई हैं। तो ऐसे जीतने से ऐसे इस तरह से पंचायत में आने से महिलाएं जो हैं कभी सशक्त नहीं हो सकती हैं। उनको अपनी शक्ति को पहचान कर और उनको जो ये अधिकार दिया गया है उनको वास्तविक पहचान कर अपने अंदर उस क्षमता को उस क्वालिटी को डेवलप करके और फिर आगे आना पड़ेगा। ये पता है कि और इसमें जो है वो अकेले नहीं कर सकती है। जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे, ये काम सिविल सोसाइटी का है, इसमें मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। व्यक्ति की सोच को बदलना है, पुरुष वर्ग का जो सोच है उसको बदलना है, महिलाओं की काबिलियत को समझने की आवश्यकता है पुरुष वर्ग को, और उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाने की, सहयोगी बनके उसका काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ वो हेल्प करे, लेकिन बहुत जगह तो मतलब जो आप देखेंगे पता ही नहीं चलता है कि कौन है, सारे काम भी वही करते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ सुधार हो और माइंडसेट लोगों का बदले, और जो ये सिविल सोसाइटी है इसको इसमें एक आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए और उसको जो है वो सशक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी हो सकती है वो महिला की स्वयं की खुद होगी सबसे बड़ी, और बाद में बाकी जो समाज और उसके और भी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है उसमें मनरेगा जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस तरह से उनको सशक्त करने का जो है वो कार्य किया गया है, या किस तरह से इसके इस कानून के द्वारा उनको सशक्त मतलब जो है किया जा सकता है। तो मनरेगा अधिनियम जो है महिलाओं के प्रति जो है वो काफ़ी संवेदनशील है, और इसमें विशेष रूप से उल्लेखित है कि रोजगार प्रदान करते समय जो महिलाओं को इस प्रकार के की प्राथमिकता दी जाए कि लाभार्थी में से एक तिहाई महिलाएं हों, मतलब जो भी उसमें वर्कर्स हैं उसमें 1/3 जो है महिलाओं को शामिल करना है मनरेगा के तहत, जिन्होंने कार्य के लिए योजना महात्मा गांधी नरेगा और बाद में जो अनुसूची 11 पैरा 6 में बताया गया कि अधीन पंजीकरण और अनुरोध किया गया है। इसमें क्या है, किस तरह से इसमें भागीदारी को इसको बढ़ाया जा सकता है, सशक्तिकरण महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं इस जो मनरेगा है उसके अंतर्गत। तो उसमें जो है वो क्या है, तो पहला जो है वो है कि महिला जो भी है, जो विशेषकर एकल महिलाएं हैं, सिंगल वुमेन हैं, तो और जो वृद्धजन हैं, जो ओल्ड हैं, तो उनको उनके घर के समीप के ही कार्यस्थल पे कार्य करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग सिंगल लेडी हैं या वृद्ध हैं तो ऐसी महिलाओं को उनको उनके निवास स्थान उनके घर के आसपास ही बहुत नज़दीक ही जो है वो कार्य करने के लिए प्राथमिकता जो है वो देने की बात कही गई है। दूसरा जो है कि महिला और पुरुष को जो है वो समान जो है वो मजदूरी जो है वो समान वेतन देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, ताकि इसके माध्यम से उसको आर्थिक सशक्तिकरण उनके अंतर्गत लाया जा सके। उसके बाद जो अगली जो बात कही गई है, इसमें कही गई है कि 6 वर्ष से कम के 5 बच्चे एक साथ हों, अगर किसी महिला के 6 वर्ष से कम के बच्चे 5 बच्चे अगर हों तो कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल करने की भी सुविधा की व्यवस्था की गई है, कि उसकी उन बच्चों को देख रेख करने के लिए, चूँकि वह काम करने आएंगे तो उनके बच्चों को कौन देखेगा, तो इसलिए उनके बच्चों को कार्य की देख रेख की भी व्यवस्था जो है कार्यस्थल पर जो है वो करना होगा। उसके बाद है कि जो कार्यस्थल जो है, बहुत से राज्यों में कार्यस्थल पर्यवेक्षक महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा गया है। इस सुविधा में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी और वहीं स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग भी इससे बढ़ा है, और मनरेगा कामगारों की भर्ती प्रक्रिया में राज्य द्वारा संविदात्मक रोजगार के लिए तैयार की गई आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाना चाहिए। मनरेगा कामगारों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगों आदि क्या को जो है समान रूप से इसका इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं का चाहे वो ST/ST हों, किसी भी समुदाय के हों, दिव्यांग हों, उन सभी को जो है वो समुचित प्रतिनिधित्व जो है वो उनमें उनका मिलना चाहिए। उसके बाद है कि जो ग्राम रोजगार सहायक कामगारों की उपस्थिति लेने सहित कार्यस्थल पर सुविधाओं के प्रबंध के लिए कार्य करने के लिए मदद हेतु एक मेट की नियुक्ति की जानी चाहिए, और मेटों की नियुक्ति में महिलाओं
कामगारों और दिव्यांग व्यक्तियों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि मेट द्वारा पूरी हो की जाने वाली ड्यूटी में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो। तो इसकी भी व्यवस्था करने की बात जो है उसमें की गई है। उसके बाद जो अगली जो अगला जो अगली जो बात बताई गई वो है कि विशेष जागरूकता एवं प्रचार और जो प्रसार है कार्यकलाप कराए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरी ढूंढने वाले व्यक्ति महिलाओं सहित बैंक की प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने में सक्षम हो, और विशेष तौर पे ऐसे क्षेत्रों में जहां वे व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली से अपरिचित हैं, तो वहां उसकी भी ट्रेनिंग उन लोगों को देनी चाहिए कि बैंक कैसे जाना है, अकाउंट कैसे खुलना है, कैसे अपने पैसे को वहां उसका आएगा वो पैसे में डायरेक्ट वहां तक पैसे पहुंचेंगे। तो इन सब के रूप में जो है वो उसको व्यवस्था जो है वो मनरेगा के तहत करने की बात की गई है। और जो विधवा हैं या परित्यागिता हैं लेडी हैं या असहाय महिलाएं हैं जो विशेष रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है ऐसी महिलाओं की पहचान करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें कम से कम जो है वो 100 दिन का कार्य मिले। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्तनपान वगैरह कराने वाली जितनी भी माताएं हैं महिलाएं हैं उनके लिए जो है उनकी प्रसूति जो है उसके पहले कम से कम 8 महीने पूर्व और प्रसूति के 10 महीने के पश्चात कोई भी विशेष श्रेणी का जो है वो जो श्रेणी माना जाएगा, और उनके लिए विशेष कार्यों का निर्धारण उन्हें उनके लिए क्रियान्वित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी कि ऐसे पीरियड्स में वो जो है वो किस तरह से काम करेंगी जिससे कि कम मेहनत की ज़रूरत हो और जो है उनका काम जो है घरों के आसपास में ही होकर वो काम हो जाए। इसके साथ साथ जो योजना में महिलाओं की भागीदारी की बात की गई भागीदारी बढ़ाने से राज्यों को सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं कि वे महिला कामगारों के लिए निजी बैंक डाक खाता खोलने के ऐसी विधवा तथा परित्यागिया जो महिलाएं हैं और असहाय महिलाएं हैं जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना जो मनरेगा के अंतर्गत पंजीकरण कराया है उसकी पहचान करके उसके अलग अलग से उनके अलग अलग रंग के कार्ड जो हैं वो उनको प्रदान किए जाएं क्योंकि उनकी पहचान आसानी से हो सके और उन्हें जो है वो सारी सुविधाओं का जो है वो लाभ जो है वो मिल सके। तो ये था कुछ उसका उसको उसके सशक्तिकरण में हमने देखा कि चुनौतियां क्या थीं और किस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, और जो मनरेगा है उसके तहत किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण या सशक्त करने का के जो उसमें के लिए जो उसमें बताया गया है तो उसको इम्प्लीमेंट करके भी महिलाओं को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो सही ढंग से जो है वो सशक्तिकरण एक तरह से किया जा सकता है। अब है कि महिलाओं को की सशक्त भागीदारी हो पंचायतों में, इसके लिए सुझाव क्या है, कुछ सजेशंस क्या हैं, क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को के बेहतर भागीदारी के लिए जो है वो बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है दिया जा सकता है। इसमें पहला जो है वह है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों एवं स्वयं महिलाओं में महिलाओं के प्रति पुरुषों में और स्वयं उस महिलाओं में जो धारणा है कंसेप्ट है उसकी बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि माइंडसेट की को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का कार्य सिर्फ घर की देखभाल करना नहीं और सिर्फ संतानें पैदा करना नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से साझेदारी होती है। इसके लिए शिक्षा के द्वारा पुरुष और महिलाओं दोनों को जागरूकता जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, दोनों ही को करने की आवश्यकता है, पुरुषों को भी करने की आवश्यकता है, उनके भी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि वह उसको सपोर्ट करें महिलाओं को सशक्त होने में, और महिलाओं को खुद भी होना बहुत ज़रूरी है, उनको यह जानना ज़रूरी है कि उनकी उनका जो है दायित्व क्या है समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उनके क्या दायित्व हैं और वो कैसे उनको फुलफिल कर सकती हैं, इसके लिए खुद भी उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है जो दूसरा जो प्रयास हम कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं वो है कि ग्रामीण क्षेत्र में
प्रबुद्ध और निरक्षर महिलाओं के बीच जो है वो संबंध जो संवाद है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो निरक्षर महिलाएं हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके बीच एक संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, किया जाना चाहिए। निरक्षर या कम पढ़ी लिखी महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में जाकर या जाकर वहाँ की शिक्षित महिलाओं के साथ संवाद करके जो भी है वो सूचनाएं जो है वो भी एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप नहीं हम नहीं पढ़े हैं तो पढ़े कैसे करेंगे, हम नहीं जाने हैं तो कैसे करेंगे, मतलब वो चीज़ आप में खुद ही होना चाहिए कि हमको जो है वो चीज़ सीखना है। और इसके लिए वो गांव में भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनसे भी संपर्क करके संवाद कर सकती हैं, नहीं तो शहरी क्षेत्र में जो पढ़ी लिखी संबंधित महिलाएं हैं और उस और उनके उस जो कार्य से संबंधित जो महिलाएं हैं उनसे टाइम टू टाइम जो है उनको संवाद की ज़रूरत है, ताकि वह जो है सही सही सारी योजनाओं सारी चीज़ों की जानकारी जो है उन तक पहुँच सके। उसके बाद तीसरा जो सुझाव है वो है कि पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी पर जोर देना चाहिए। पंचायत के सभी स्तरों पर जो है वो महिला की भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और इससे उनसे उन्हें सिर्फ आत्मविश्वास को जागृत, और इसके लिए क्या करना होगा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा, उनका जो आत्मविश्वास है उसको जागृत करना होगा, बल्कि उनके अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता का भी जो है वो विकास करने की आवश्यकता है। और ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक जितनी भी महिला सदस्य हैं उनकी न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य कर देनी चाहिए। मतलब क्या है, इन सब मीटिंग्स में जैसा कि मैंने कहा कि पंचायत मुखिया पति या सरपंच पति का या प्रधान पति का जो कंसेप्ट है उसको हटाते हुए या एक रूल बना देना चाहिए कि इतना परसेंट जो भी मीटिंग्स होती हैं चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो उसमें उतनी उपस्थिति जो है उनका होना अनिवार्य है। अगर ये कर दिया जाए तो शायद कुछ सुधार होने की गुंजाइश जो है वो हो सकती है। इसके बाद जो अगली जो अगला जो मतलब सजेशन है वह यह है कि महिलाओं को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो संगठित हों। महिला संगठन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की देना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार के द्वारा इस तरह के महिला संगठनों को वित्तीय सहायता एवं ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वह महिलाएं जो है वो उनको संगठित कर सके, प्रोत्साहित कर सके और ये सब जो है वो उसमें करने में उसको हेल्प कर सके। इसके बाद जो अगली जो इसकी विशेषता होती है, इसमें सजेशन है कि और हम क्या कर सकते हैं, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महिला सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है और निभाते हुए शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है। तो इस तरह की महिलाओं के सराहनीय नेतृत्व का प्रचार किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, इससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। मतलब जो भी पंचायत लेवल में जो पूरे अपने देश में जो जितनी भी पंचायतें हैं और उसमें से खासकर उन पंचायतों में जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विकास कार्य के क्षेत्र में हो, तो उनको उनके कार्य को अप्रिशिएट करके उनको अवार्ड देने की ज़रूरत है, जिससे कि और भी महिलाएं जो हैं वो उससे प्रेरित हो सकें, सीख सकें और वो भी जो है अपने क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो है वो अच्छे से विकास कर सके, योजनाओं को सही ढंग से ला सकें और वो भी अच्छा काम कर सके। तो इसके लिए ये भी जो है एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है उनके लिए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को के प्रचार प्रसार और उनके बारे में बताने की आवश्यकता है। तो यह एक जो है वो एक अच्छा सकारात्मक जो है वो पक्ष हो सकता है इनकी स्थितियों में सुधार लाने के संबंध में। उसके बाद दूसरा अगला जो सुझाव है ये हो सकता है कि मीडिया जो है वो ग्रामीण समाज में बदलाव लाने में जो है वो प्रमुख रोल अदा कर सकती है, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में है। तो अगर यह काम जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी करे जितना कि वह शहरी क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करती है, तो अगर इसकी भूमिका अगर गाँवों में भी बढ़ जाए तो उसके द्वारा जो है जो असमानता है, समानता या जेंडर इक्वालिटी, मीडिया के माध्यम से जो जेंडर असमानता है, जेंडर न्याय है,
की खबरें हैं एवं विश्लेषण देकर ग्रामीण समाज में जागरूकता का जो प्रचार प्रसार करने का काम जो है कर सकती है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जेंडर जस्टिस के बारे में। तो इस तरह की सूचनाएं अगर गांवों में भी महिलाओं को या गांवों में भी दिया जाए तो लोगों की मानसिकता में एक परिवर्तन आ सकता है और जो है वो महिलाओं को भी अपनी स्थिति को सुधारने में उनको उसी मदद मिल सकती है। इसके बाद जो है वो है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है में छात्राओं में जेंडर संवेदनशीलता पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम में यथायोचित जो है वो परिवर्तन किया जाना चाहिए। मतलब जो ये प्राइमरी लेवल में हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं या आपका सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल में जो है जेंडर इक्वालिटी का जो पाठ्यक्रम है उसको इसमें शामिल किया जाएगा तो इससे भी हो सकता है कि जो कुछ फ़ायदा जो है वो महिलाओं को मिले। तो ये कुछ सुझाव थे जिसके द्वारा जो है महिलाओं को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त किया जा सकता है और उनके सामने जो समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं सशक्तिकरण से संबंधित तो उसको इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उनके सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खुशी की बात यह है कि जो 15 राज्यों में पंचायती राज राज्यों संस्थानों में जो अभी तक के जो अचीवमेंट्स हैं उसमें जो 15 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण जो है वो 33% से बढ़ाकर जो है वो 50% कर दिया है राज्यों ने स्वयं कर दिया है और उसमें 50% जो है वो उसमें कर दिया है। यह राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक ठोस और इम्पोर्टेंट जो है वो कदम है लेकिन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या से महिलाओं का जो है वो सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी स्टार्टिंग में अध्ययन किया कि सिर्फ सशक्तिकरण करके उनको आरक्षण देके उनको खड़ा कर जितवा देने से सिर्फ जो है वो उनका सशक्तिकरण नहीं होगा कि जब तक कि उनका आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो है वो तीनों लेवल पे उनको विकसित नहीं किया जाएगा उनको सशक्त नहीं किया जाएगा। मतलब ज़रूरी है कि समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उनमें आत्मविश्वास जो है महिलाओं में बढ़ाने के लिए जो है वो जो उपलब्ध साधन है जो भी चीज़ें हैं जिससे कि उनके आत्मबल को बढ़ाया जा सके तो वैसे कामों को जो है वो करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त 2012 को गठित विशेषज्ञ समिति में एक जो अध्ययन किया गया और उसमें जो सिफारिशें दी गई उसके अंतर्गत क्या की कही गई कि महिला सशक्तिकरण या जो ग्राम पंचायत में महिलाओं को किस तरह से जो महिला कोटा है रिजर्वेशन है तो उसके थ्रू महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए तो वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक जो गठित की गई समिति और उसके द्वारा जो कुछ सुझाव दिए गए अब उनको उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं चर्चा कर लेते हैं कि ये सजेशन क्या थे। तो इसमें जो कहा गया कि पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके परिवार के पुरुष को कम से द्वारा काम करने की जो प्रवृत्ति है और प्रतिसत्तात्मक जो समाज मानसिकता जो समाज है उसकी उसका जो मानसिकता का जो सूचक है इसलिए ग्रामीण जो शासन है में महिलाओं की जो को महिलाएं जो हैं वो मुख्य धारा से जो है वो रियल में नहीं जुड़ पाई हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये प्रतिसत्तात्मक समाज वाली जो मानसिकता है उसको हम लोग दूर करें किया जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सुझाव उन्होंने दी सिफारिश जो उन्होंने की वो ये की कि पंचायत की महिला जो है प्रतिनिधि जो है वो स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों और अन्य समूह की महिलाओं के बीच जुड़ाव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और इसे ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि राज्य और उपराज्य स्तरों पर भी एक नीति के रूप में समर्थन दिया जाना चाहिए। मतलब जितने भी महिला से संबंधित संगठन हैं स्वसमूह हैं तो उन सभी में महिलाओं को जो है एक दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत है। जब वो जुड़ेंगी तो ऑलरेडी सशक्तिकरण होगा ही तो इस माध्यम से जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं समूह हैं महिलाओं हैं उनको बीच एक दूसरे के प्रति जो जुड़ाव है वो आवश्यक है। उसके बाद जो अगला जो रिकमेंडेशन या सिफारिश उन्होंने की वो ये की कि केंद्र
प्रायोजित योजनाओं को महिलाओं के प्रति संवेदनशील जो है वो बनाने की ज़रूरत है। जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो पंचायत से रिलेटेड हैं, महिलाओं से रिलेटेड हैं, उसको महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। और राज्य एवं जिला स्तर पर नियोजन में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल की जानी चाहिए। मतलब उनको उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कैसे हो सके, इस बात से संबंधित और इस बात को लेकर ऐसे नियम कानून या ऐसे योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि महिलाओं को भी उसका लाभ मिल सके। और उसके बाद अगला जो सुझाव है वह है कि हर चुनाव के बाद महिला आरक्षण के रोटेशन पंचायतों में महिला नेतृत्व के उभरने में एक बड़ी बाधा हो जाती है। जो रोस्टर प्रणाली जो उसमें दिया गया है, जो उसमें आरक्षण से संबंधित जो रोस्टर प्रणाली है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बाधक है, एक कारण है महिलाओं के विकास में, सशक्तिकरण में। अतः इस रोस्टर ये जो रोटेशन जो है वो रोटेशन को 2 या 3 कार्यकाल तक नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जो अतः इनका आरक्षण का रोस्टर जो है 2 या 3 कार्यकाल तक नहीं किया जाना चाहिए। मतलब उसके बाद करें, मतलब कम से कम वो 1-2 साल तक बार पंचायत जो है उस क्षेत्र से लड़े तभी तो उसका विकास होगा, और उसके बाद वो की जानी चाहिए। तो ये बातें हैं। और इसके बाद जो है अगली जो बात है कि महिलाएँ जिन समस्याओं का सामना करती हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए अलग से बैठकों की ज़रूरत होती है, ताकि वे अपने मसले को ग्राम सभा में असरदार ढंग से रख सकें। इसलिए एक महिला सभा की गठन की जानी चाहिए। ग्राम सभा के अंतर्गत महिला सभा की गठन की जानी चाहिए जिसमें महिलाएं हों और वो खुलकर अपने बातों को, अपनी समस्याओं को, खुद से संबंधित समस्याओं को जो है वो वहाँ पे शेयर कर सकें, और उसके लिए निदान करने की जो है ज़रूरत और आवश्यकता जो है वो हो सके, इसकी जो है वो व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगला जो इसका ये है कि वो है कि पंचायत की महिला पदाधिकारी और साधारण सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायत की महिला पदाधिकारी जो भी है और साधारण जितने भी सदस्य हैं उनको विशेष प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रत्येक पंचायत द्वारा की जाने वाली जो वार्षिक योजना में उन निर्णयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनको महिलाओं ने लिया है। मतलब वित्त से संबंधित जो भी योजनाएं, वार्षिक योजनाएं होती हैं, उससे संबंधित जो भी जो निर्णय महिलाओं के द्वारा लिए गए हैं, महिला प्रतिनिधियों के द्वारा लिए गए हैं, तो उनकी प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इससे भी महिलाओं में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो जो है वो सशक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ पाएंगी। इसके बाद जो अगली जो है कि वह देश के विभिन्न भागों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति, उनके कार्य प्रदर्शन, उनके योगदान और सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों की नियमित रूप से बैठक की जानी चाहिए, और उसके कामकाज में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कार्य करने में जितनी बाधाएं ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको दूर करने का भी सुझाव जो है वो इस कमेटी ने, पंचायती राज मंत्रालय ने दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी हमने सुझाव दिए तो उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करके, लागू करके कुछ ना कुछ महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है और महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और इस तरह से जो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट के तहत उन्हें जो 1/3 आरक्षण कोटे की जो व्यवस्था की गई है उसका जो समुचित लाभ जो उनको मिल सकता है, इसमें पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, महिलाओं को चेंज होने की ज़रूरत है, सरकारी नीतियां जो हैं महिला केंद्रित बननी चाहिए जो भी केंद्र सरकार के द्वारा बनती हैं। मतलब एक तरह से पूरे सिविल सोसाइटी का इसमें सपोर्ट होना चाहिए ताकि महिलाएं भी जो है वो सशक्त हो सकें, आगे बढ़ सके और अपने गांव के, अपने राज्य के, अपने देश के निर्माण में उनकी जो एक सशक्त भूमिका है और जो वो हो सके और वह जो है वास्तव में सशक्ति की ओर बढ़ सके। सिर्फ वो नाम मात्र की ना रहें, वह रियल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो है वो सशक्त हो सके। और इस तरह से जो भी सुझाव, जो भी सजेशंस और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करके और सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके जो है महिलाओं की सशक्तिकरण को या महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने में एक कदम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और इसमें हम सभी की का सहयोग हो सकता है और हम चाहें तो इस तरह से अपना सपोर्ट करके हम महिलाओं को सशक्त करने में अपना महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोटा ऑफ
पंचायत महिला कोटा इन पंचायत सिस्टम पंचायती राज सिस्टम, तो हमने देखा कि पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो उससे उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या उसके बेनिफिट्स हुए, क्या उसके लॉस है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है और किस तरह से वास्तविक जो है सत्ता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए और उसको प्राप्त होने में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है, और इन सारी बातों की चर्चा हमने अपने इस क्लास में की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और कोई समस्या हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके उस प्रश्न को रखें। और अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।